ओके मैं ऑडिबल यस सर। वन मिनट एम आई ऑडिबल बच्चों एम आई ऑडिबल और नो तुम्हें बोलते क्यों नहीं कितना फास्ट मैं बोलता हूँ वहां पे दूसरे प्रोफेसर रहते तो मैं बताता तुम लोग को कितना फास्ट आंसर दिया जा सकता है। आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई डोंट यू गिव मी दिस आंसर सो फास्ट। ओके सो वी वर डूइंग चैप्टर ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। एक और स्टूडेंट है रोशनी चौरसिया। एक मिनट आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी सी वॉज एडेड देन सी लेफ्ट देन अगेन आई वन मिनट आई ट्राई टू ओके सो आई जस्ट ब्रीफली समराइज व्हाट एवर वी हैव डन सो फार। मैं थोड़ा इसको भी सीधा कर दूं हॉरिजॉन्टल। ओके नाउ आई टोल्ड यू फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डिफॉर्मेशन व्हाट आर डिफॉर्मिंग फोर्स व्हाट आर इलास्टिक बॉडीज व्हाट आर प्लास्टिक बॉडीज व्हाट इज इलास्टिसिटी व्हाट इज प्लास्टिसिटी। ऑल राइट इतना किया हमने। उसके बाद में we have seen what is restoring force. After restoring force, we have seen what do you mean by stress. Then what do you mean by strain. Then we have seen three different types of strain. These three types were based on length. दूसरा क्या था? Length. Then second. विधि विधि नहीं है वॉल्यूम वॉल्यूम या दैट्स राइट वॉल्यूम और तीसरा द शेप। दैट्स लवली आंसर लेंथ वॉल्यूम एंड शेप। ऑल राइट उसके बाद हमने एक ऐसा टेबल बनाया था इधर लिखा था स्ट्रेस और इधर लिखा था स्ट्रेन और तीन टाइप के स्ट्रेस का नाम मुझे बताएगी कौन है कौन है। व्हाट आर द फर्स्ट व्हाट इज द फर्स्ट स्ट्रेस और स्ट्रेन फॉर लेंथ उसका नाम क्या था कौन है टेंसाइल। हाँ टेंसाइल वेरी गुड। सेकंड का नाम भार्गेस भार्गेस सेकंड का वॉल्यूम और बल्क। राइट दैट्स राइट। और थर्ड का अफीफ अफीफ थर्ड का सर शेयर और टेंजेंशियल। लवली लवली। देखो टेंसाइल और लॉन्गिट्यूडनल वॉल्यूम और बल्क शेयर और टेंजेंशियल। उसके बाद मुझे ये टेबल भरने में मदद करेगा मास। इधर टेंसाइल स्ट्रेस में क्या लिखूं एफ अपॉन ए। दैट्स राइट वेरी गुड। एंड हुसैन व्हाट विल आई राइट हियर स्ट्रेन में हुसैन दागीना वाला हुसैन दागीना वाला क्या लिखूं यहां पे। अरे हुसैन अरे तुम्हारा अनम्यूट भी नहीं कर रहे तुम माइक तो बोलोगे कैसे।
Jitu? So, change in length upon original length. Small L upon capital L. All right. Om Mistry to bolta nahi hai. Om Mistry ka mic permanent off hai. Prisha Shetty, can you tell me volume stress? Prisha Shetty? Maz? Maz? Sir, DP. That's right. Conan, what about volume strain? What upon what? Conan? D upon V. Very good. Best answer. Shear or tangential stress? G2, yahan kya likhu? F upon A. Anybody can tell me this force ka naam kya tha? Is force ka naam kya tha? Anyone? Ye special force tha. Change of shape ke liye. Anyone who can tell him independently? Hussain, tum bolo, I don't like you not speaking. So, tangential force. Tangential or shear force. Very good, Jitu. And what about shear strain ka formula? Shear strain ka formula kehta hai, ek hi word tha. What is it? So, theta. Theta is equals to... Lateral distance from the fixed layer. Itna humne kiya tha. Different types of stress, different types of strain. Length, volume, shape. All right. Uske baad mein humne elastic limit dekha tha. Iska jo maine notes mein wo likha hai ki baaki tha elastic limit ka. Elastic limit mein maine ke kahan tak likha hai tha? So elastic limit ka bhi likha. Nahi, aapne likha tha? कुछ भी वर्ड भी लिखा था एक वर्ड भी क्या नो सर हाँ तो लिखना चालू करो व्हाट इज द इलास्टिक लिमिट लिखो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था अगर याद है तो आपको तो हाँ कौन बताएगा चलो इसमें बहुत अच्छा है मैक्सिमम स्ट्रेस टू विच मैक्सिमम स्ट्रेस टू विच अ बॉडी कैन बी इधर आपको भरना है विदाउट इधर आपको भरना है कौन बताएगा इधर 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 कौन बोलेगा क्या लिखा है था क्या बोला था मैंने अगर आपको याद है एनीवन हु कैन रिकलेक्ट एनीवन हु कैन रिकलेक्ट सो विदाउट डिफॉर्मिंग फोर्स एंड द बॉडी कैन बी एट इट्स ओरिजिनल शेप सो मैक्सिमम स्ट्रेस टू व्हिच अ बॉडी कैन बी एट इट्स ओरिजिनल शेप विदाउट डिफॉर्मिंग फोर्स नो 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 और कोई कैन बी स्ट्रेच्ड उट परमानेंट डिफॉर्मेशन ये याद है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन ये था तो चलो लिखना चालू करो इसका पहले एक्सप्लेनेशन लिखेंगे और फिर डेफिनेशन लिखेंगे लिखो द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी लिखो द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी Deformations produced in a body depends upon the deformation produced in a body depends upon the applied deforming force depends upon the applied deforming force full stop If the deforming force is small, it produces small deformations. If the deforming force is small, it produces small deformation. And in such a case, the body regains its original dimensions. The body regains its original dimensions when the
deforming force is removed. When the deforming force is removed, full stop. Full stop. However, if we go on increasing the deforming force, comma. However, if we go on increasing the deforming force, comma, a stage is reached when the body does not completely regain its original dimensions, when the deforming force is removed. And a permanent deformation is produced in the body. Full stop. In such a case, we say that the body is stretched beyond elastic limit. Body stretched beyond elastic limit. इसके बाद में डेफिनेशन लिखो टाइटल लिखो इसमें लिखो द मैक्सिमम स्ट्रेस टू विच व्हाइट बोर्ड पे देख लो द मैक्सिमम स्ट्रेस टू विच अ बॉडी कैन बी स्ट्रेस्ड टू विच अ बॉडी कैन बी स्ट्रेस्ड without permanent deformation. अरे रोशनी just unmute yourself. रोशनी yes sir. सुनो yes, sir. इसके पहले के दो लेक्चर है ना मैंने YouTube पे डाले चैप्टर स्टार्ट किया मैंने अभी जस्ट दो लेक्चर पहले तो लास्ट दो YouTube पे खंडेलवाल कैसे टाइप करोगी ना हेलो yes, तो मेरे दो लेक्चर दिखाई देंगे हाँ, करना एक बार और आराम से धीरे धीरे म्यूट करके मतलब स्टॉप कर पॉज करके देखना दिस चैप्टर विल बिकम क्लियर और कुछ भी डाउट है मेरे को पूछना फोन पे आई विल हेल्प यू खंडेलवाल क्लासेस टाइप करके देख लेना कोई और थी निधि करके आई थी एक बार सी वॉज डिफरेंट देन यू हेलो रोशनी सी वॉज डिफरेंट ना निधि कोई और थी और रोशनी कोई और है क्या है हम लोग बहुत कंफ्यूज हैं हाँ आई डोंट नो सर ओके ओके ठीक है तो ये टॉपिक है यहाँ से टॉपिक किया बेटा सभी ने हो गया ना ये यस सर बोलो ना यार बोलो ओके इसके बाद एक क्वेश्चन लिखो स्टेट एंड एक्सप्लेन हुक्स लॉ
देखो नाम एकदम खतरनाक है बट आंसर बहुत इजी है, पर आंसर मैं नहीं बताऊंगा आप बताएंगे। एक्चुअली है ना हुक था ना हुक, वो स्ट्रेस बढ़ाता था, सुनो स्ट्रेस बढ़ाता था, जब फोर्स अपॉन एरिया बढ़ाता था तो स्ट्रेन भी बढ़ती जाती थी, ये बढ़ाता था ये भी बढ़ती जाती, ये भी बढ़ाता था ये भी बढ़ती जाती थी। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टू, एनीवन? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो कोई बोलेगा लॉ खत्म हो गया, बोलो क्या, एज पर हुक्स लॉ क्या लिखू, क्या लिखू बोलो, बीच में क्या आएगा, साइन, साइन प्रोपोर्शनल, दैट्स राइट, खलास। लेकिन है ना उसने एक और चीज नोटिस की, सुनो ध्यान से, उसने नोटिस की कि ये लॉ जब जब तक ट्रू होता है जब तक परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं है बॉडी में, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाती है ना तो फिर ये स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं होता। सो एनीबॉडी कैन टेल मी इस लॉ में विद इन क्या लिखना चाहिए, विद इन इधर क्या, इलास्टिक लिमिट। That's right. Best answer, Afif. I appreciate. So, what is the law? Ekdam law is here. As per Hooke's law, stress is directly proportional to strain within elastic limit. Or within elastic limit, stress is directly proportional to strain. Khalas, itna chota sa word hai. Likho abhi turant. Title likho statement. Title likho statement. Aur isme likho. Isme likho. Within the elastic limit, stress is directly proportional to strain. Stress is directly proportional to strain. Stress is directly proportional to strain. अब है ना मुझे एक बात बताओ, if A is proportional to B, हम लोग A equal करते तो क्या आता है यहाँ पे? Anyone can tell me? So constant. Constant, that's right. Or if A is proportional to B, we can say A upon B equal to constant. A upon B equal to constant. A equal to B K ना? A equal to K times B. Or A upon B equal to K. तो यहाँ पे मुझे बताओ, stress is directly proportional to strain. Therefore, tell me, can I say stress upon strain must be what? Constant. Equal to constant. Do you agree? Stress is directly proportional to strain means stress upon strain must be constant. This constant ka naam diya isne special. This constant is known as. Bahut ganda naam hai. लेकिन हम लोग को कुछ नहीं कर सकते, इज नोन एज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डिनोटेड बाय कैपिटल ई। तो एज पर हुक्स लॉ विद इन स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, देयरफॉर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज नोन एज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डिनोटेड बाय ई। देयरफॉर कोई बोले व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, देयरफॉर ई इक्वल टू stress upon strain. कोई बोले define modulus of elasticity तो क्या, anybody can tell me what will be definition of modulus of elasticity? Anyone? कोई बोलेगा define modulus of elasticity. Initiative लो wrong तो wrong यार, बिंदास बोलो, भार्गेश, हुसैन तुम ये बोल नहीं रहे हो, stress upon strain. हाँ हुसैन बोल, constant is known as modulus of elasticity. ठीक है चलेगा, देखो आंसर विल बी व्हाट यू नो, विद इन इलास्टिक लिमिट, सॉरी द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड मॉड्यूलस, और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। एकदम इजी है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस to strain within elastic limit. Khalas. I hope that's clear. Bachcho? Yes, sir. So, aisa likho. Pehle statement likho, usme likho. Within elastic limit.
within elastic limit, comma, the stress is directly proportional to strain. The stress is directly proportional to strain. और फिर यहां से यहां तक कॉपी करो पूरा यहां तक. डेफिनेशन ऑफ ई. डेफिनेशन ऑफ ई के बाद मैं बोलूंगा वो लिखना. So liquid is defined as the ratio of it is defined as the ratio of stress to strain. It is defined as the ratio of stress to strain within elastic limit. Or say, एक नोट लिखो. यूनिट ऑफ इलास्टिक लिमिट है ई. सिंस इलास्टिक limit is stress. Elastic limit is stress, na? मैं बोला ना maximum stress. So that means elastic limit is stress. Therefore, units of elastic limit is same as stress. Copy कर लो ये. That is newton per मीटर स्क्वायर और टाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ये ए और बी में इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. सिंस स्ट्रेन हैज. अच्छा स्ट्रेन का यूनिट मीटर होता है कि सेंटीमीटर? एनीवन? स्ट्रेन का यूनिट क्या होता है? एनीवन कैन टेल मी स्ट्रेन का यूनिट? बोलो बच्चों. मीटर. और दूसरा कोई आंसर? हुसैन. आवाज एक बार वापस बोलो प्लीज. दैट्स राइट. वेरी गुड. आई लाइक इट. ऐसे आंसर दो बेटा. ट्रेन है जीतो स्ट्रेस रेशियो है ना लेंथ टू लेंथ. तो मीटर मीटर कैंसिल. मीटर क्यूब कैंसिल. ट्रेन हैज नो यूनिट्स. Therefore, E unit is also same as stress, that is Newton per meter square or Dyne per centimeter square. अब you know, मेरे को अभी अभी एक ख्याल आया. एक joke बना सकते हैं हम लोग. 2020 हमारा पूरा स्ट्रेस में गया. किस क्यों गया स्ट्रेस में? एनीवन? बिकॉज ऑफ व्हाट? एवरीबॉडी वाज इन स्ट्रेस. एंटायर वर्ल्ड. सो कोविड-19. हाँ लेकिन स्ट्रेस आया था बिकॉज ऑफ कोविड-19. जाते जाते स्ट्रेन भी आ गया था. याद है न्यू स्ट्रेन? तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन दैट मीन इट हैज गॉट वेरी हाई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. कोरोना कनेक्शन नहीं है. जस्ट ज्यादा ज्यादा स्ट्रेन आया. पता है ना किसी ने सुना कि यूके में स्ट्रेन आया है नया? Yes. सुना है कि नहीं? Yes. हाँ. So, that's connected to modulus of elasticity. मेरे को ऐसे लगता था there is a very high modulus of elasticity. चलो anyway. तो ये इसका कुछ कनेक्शन नहीं है इससे. इसके बाद में है ना
एक ऐसा लिखो एक क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय लैटरल स्ट्रेन, व्हाट डू यू मीन बाय लैटरल स्ट्रेन, एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय लैटरल, LATERAL, लैटरल लैटरल स्ट्रेन क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड। ओके, लैटरल स्ट्रेन जाने के पहले मैंने ना कुछ बातें पूछूंगा, तुम लोग कॉमन सेंस से आंसर देना है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आपको खाली बोलना हाँ सर ऐसा होता है इसलिए ये है। सुनो, सपोज देयर इज अ रेक्टेंगुलर बार ऑफ विड्थ बी, डेप्थ बी, एंड लेंथ एल। मैंने जानबूझकर बड़ा बड़ा बनाया है सो दैट योर कॉन्सेप्ट विल बिकम क्लियर। सपोज यहां से मैं स्ट्रेचिंग फोर्स सप्लाई करता हूँ, खींचने वाला फोर्स, बोल तो चल भाई खींच जा, इलास्टिक लिमिट में, विद इन इलास्टिक लिमिट, टेल मी विल इट स्ट्रेच और इट विल नॉट स्ट्रेच। अगर फोर्स लार्ज होगा, अच्छा फोर्स होगा, विल इट स्ट्रेच और नो, यस और नो, इट विल स्ट्रेच बिकॉज इट इज इलास्टिक बॉडी। लेट अस से बिकॉज ऑफ स्ट्रेचिंग दिस एल इंक्रीजेस बाय छोटा एल, व्हाट विल हैपन टू विड्थ एंड डेप्थ, एनीबॉडी कैन टेल मी, विड्थ और डेप्थ क्या होगा, जो विड्थ होगा डेप्थ होगा ऐसा खिसता जाएगा, खिसता जाएगा, खिसता जाएगा, खिसता जाएगा, विड्थ और डेप्थ बड़ा होता जाएगा कि छोटा होता जाएगा, साइड के डायमेंशन तो सेम ही रहेगा, स्मॉल सेम कैसे रहेगा, जैसे बढ़ रहा है तो छोटा, अभी स्मॉल स्मॉल होगा, हाँ यार स्मॉल होगा ना। समझो एक छोटा सा सिलेंडर लो, अपना घर में रोटी बनाते हैं उसके आटे का एक सिलेंडर बनाओ और फिर उसको खींचो 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 खींचो, तो क्या साइड का वो सेम रहता है कि साइड का छोटा होता जाता है, छोटा होता है। तो फिर ओके तो ये डिक्रीज होगा। सपोज ये है ना, ये एल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन, किसी भी रॉड का लेंथ होता है ना, लेंथ को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन, क्या बोलते हैं उसको, लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन। और इसको बी और डी को क्या बोलते हैं मालूम, इसको बोलते हैं लैटरल डायमेंशन, क्या बोलते हैं, लैटरल, साइड के जो रहते हैं ना जी, जो साइड के डायमेंशन रहते हैं उसको लैटरल डायमेंशन बोलते हैं। तो कह रहे दिस डिक्रीजेस बाय बी एंड दिस डिक्रीजेस बाय डी। अगर ये फोर्स उल्टा होता, सपोज ये फोर्स कॉम्प्रेसिव होता, इसको दबा रहा होता, दड़ 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 दोनों बाजू से ट्यू 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 दबाया, तो एल क्या होता, एल बढ़ता है कम होता, एल अगर मैं इसको दबा रहा होता रॉड को तो लेंथ बढ़ती थी या घटती थी, लेंथ बढ़ती कम होता था। और व्हाट अबाउट विड्थ एंड डेप्थ, विड्थ एंड डेप्थ क्या होता था, अगर ऐसे दबा के छोड़े थे तो विड्थ एंड डेप्थ बढ़ती जा जाएगी, हाँ ये अगर बढ़ेगा तो दोनों घटेंगे, ये अगर बढ़ेंगे तो ये घटेगा। अब है ना lateral dimension, remember this is lateral dimension, width and depth are lateral dimension, this is longitudinal dimension, इसलिए tensile और longitudinal बोलते हैं, क्योंकि change in length upon original length, इसको longitudinal यहाँ पे बोलते हैं ना, tensile और longitudinal stress because of this, हाँ तो remember lateral strain is what, you know, lateral strain is इक्वल टू छोटा बी अपॉन बड़ा बी और छोटा डी अपॉन बड़ा डी। एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट मस्ट बी द डेफिनेशन ऑफ इट, लैटरल स्ट्रेन का क्या होगा डेफिनेशन, एनीवन हु कैन टेल मी, अपने ओन वर्ड्स में बिंदास बोलो, रॉन्ग तो रॉन्ग, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, यू मस्ट स्पीक फ्रॉम अ फिफ्थ ईयर टू एवरीवन। पता नहीं क्या लिख रहे हो, पता है नहीं तुमको तो बोलो ना मुझसे कि पता नहीं सर, आफिफ क्या टाइप करता है, चैटिंग क्या कर रहा है क्लास में, ओ आफिफ सैयद क्या सर, पता नहीं वो सर सम स्कूल फ्रेंड सर, आई डोंट नो हाउ इट केम ऑन Zoom, आई वाज टाइपिंग ऑन WhatsApp। अरे यार तुम डबल काम मत कर, लेक्चर अटेंड करा, आई टॉक टू योर पेरेंट्स, स्कूल के बच्चों से भी तुम अभी चैटिंग कर रहे हो टाइम पे लेक्चर के बीच में, स्टूपिड, I do not understand. You are such a good student. Did you this type of mistake?
I do not like concentrate 100%. मेरे साथ रहो ना यार 40 मिनट का तो लेक्चर है. Concentrating only sir. तो you are typing also. By mistake इधर आ गया इसलिए पता चला मेरे को. चलो anyway. Anybody can tell me what? Anybody? Bindas बोलो wrong तो wrong. देखो. अभी कोई मैं स्टूडेंट तो तुम बोलता सर ऐसा लिखो ना लेटरल स्ट्रेन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ चेंज इन विड्थ टू द ओरिजिनल विड्थ और चेंज इन डेप्थ टू द ओरिजिनल डेप्थ. अरे इतना तो बोलो. लेकिन बेस्ट आंसर क्या कहूं ना मैं बिकॉज़ बी एंड डी बोथ आर लेटरल डायमेंशन तो हम लोग क्या लिख रहे हैं लेटरल स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेटरल डायमेंशन टू द ओरिजिनल लेटरल डायमेंशन. तो उसमें विड्थ आया डेप्थ आया डायमीटर आया रेडियस आया कुछ भी होगा वो सब लेटरल डायमेंशन आ गया. What is lateral strain? It is defined as the ratio of change in lateral dimension to the original lateral dimension within elastic limit. ये भी लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. ये सब within elastic limit होता है. तो मुझे ये आंसर देगा कोनन कुरेशी. Lateral strain की definition बोलो. Change in lateral dimension within the original lateral dimension within the elastic limit. Within पहले नहीं बोला to the original dimension और within elastic limit. अच्छा रोशनी तुम बोलो. रोशनी. Lateral dimension is defined as the change in lateral dimension to the original dimension within the elastic limit. Original dimension है original lateral dimension within elastic limit. हाँ. ओरिजिनल डायमेंशन नहीं बेटा ओरिजिनल लेटरल डायमेंशन. चलो अभी लिखना चालू करो. ऐसा लिखो सपोज अ रेक्टेंगुलर बार. डायग्राम भी बनाना है तो बना सकते हो. एक्चुअली डायग्राम बना लो ना तो इट विल बिकम मोर क्लियर टू यू. डायग्राम बना लो फटाफट. डायग्राम बनाने के बाद लिखो सपोज और बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक डायग्राम मत बनाओ. ऐसा लिखो सपोज रेक्टेंगुलर बार और रेक्टेंगुलर रॉड लिख दो. रेक्टेंगुलर रॉड ऑफ विड्थ कैपिटल बी डेप्थ कैपिटल डी एंड लेंथ कैपिटल एल एंड लेंथ कैपिटल एल be subjected to an axial pulling force, pulling, P-U-L-L-I-N-G, pulling force, capital F, pulling force, capital F. Sir, can you repeat? From length L. Suppose a rectangular bar of width capital B, depth capital D, and length capital L be subjected to be subjected to pulling force capital F, P-U-L-L-I-N-G, pulling force capital F. Full stop. The deformation of the rod will take place such that deformation of the rod will take place such that the length of the rod will increase. Bracket mein likho plus chota l while the lateral dimensions namely the breadth या width जो बोलना है बोलो एक ही बात है. namely the width लिख डालो ना पहले width लिखा है तो width के पास लिखो minus b and depth के पास लिखो minus d minus
माइनस बी विथ के पास ऑब्वियसली माइनस बी और डेथ के पास माइनस डी विल डिक्रीज then the ratio b upon b or d upon d ye dekh ke yahan pe dekho is called lateral strain fir title likho definition कल मैं टेस्ट कौन सा लूं अफीफ चलो अभी तुम्हारे से बात कर लेता हूं कल मैं टेस्ट इसके पहले कौन सा चैप्टर था इन फिजिक्स जो मेरा चैप्टर था ना लॉज ऑफ मोशन हाँ ओ बच्चों उसके ऊपर टेस्ट है ओके पूरा कॉन्सेंट्रेट करो उसके ऊपर जो मैंने पढ़ाया वो बराबर ध्यान से पढ़ो यू विल गेट फॉर योर गुड मार्क्स अफीफ ने बोला सर अनाउंस कर दो तो मैं आप अनाउंस कर रहा हूँ अफीफ टुमारो यू मस्ट गेट गुड मार्क्स यस सर ओके तो क्या लिखा डेफिनेशन ऑफ लैटरल स्ट्रेन में लिखो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ क्या लिखूंगा बताओ हुसैन बी लिखेगा क्या वहां पे नो सर भार्गेश यस सर So it is defined as the ratio of change in lateral dimension upon original lateral dimension. बस within elastic limit क्या easy है Hussain you are not concentrating बेटा देखो तो very good answer Bhargesh it is defined as the ratio of change in lateral dimension. Change in lateral dimension to the original lateral dimension. To the original lateral dimension within elastic limit. और ये formula लिखी जा रहा है। एक note लिख डालो। यहाँ पे जरा पता चल लॉन्जिट्यूडल स्ट्रेन एल अपॉन एल स्क्वायर लॉन्जिट्यूडल बी अपॉन बी स्क्वायर लैटरल ओके मिटा दो इसको